हाय दोस्तों, टी4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल से ईमेल आईडी को कैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ईमेल आईडी कैसे बनाना है आज की वीडियो में सीखेंगे। तो ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉयड मोबाइल में यहाँ पर देखिएगा, गूगल करके एक बंच आपको दिया जाता है, इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ पर एक एप्लीकेशन होगा जीमेल करके। अगर यहाँ पर इस एप्लीकेशन को अगर नहीं मिल रहा है तो इससे बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जीमेल करके एक एप्लीकेशन उसको यहाँ पे खोज लीजिए। उसका आइकन देखिए कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। तो ये सारे एंड्रॉयड मोबाइल में पहले से रहता है, तो इसको आप अपने मोबाइल में देख लीजिए और इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। जैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, तो अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। अब आपको क्या करना है, ऊपर में यहाँ पर ये आइकन बना हुआ होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। ओके, तो चलिए हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। यहाँ पर आपने जितने भी ईमेल आईडी बना के रखा होगा यहाँ पे शो होंगे, लेकिन हमें एक नया बनाना है तो यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम ऐड अनदर अकाउंट में यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेटअप ईमेल, और यहाँ पे फर्स्ट में है गूगल, तो हमें ये ईमेल जो है ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, तो हमें गूगल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने चेक इन्फो का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे अपना जो मोबाइल में आप पैटर्न लॉक यूज़ करते हैं उसको डाल दें। तो हमने अपना लॉक डाल दिया, अब ये ओपन हो रहा है। अब ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक नया ईमेल आईडी है तो आप उसको लॉगिन करने के लिए, आपको अगर नया बनाना है तो नीचे क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्रिएट अकाउंट में नीचे क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक किए, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है माई सेल्फ का, यानी कि आप इसको अपने लिए बनाना चाहते हैं, या फिर टू मैनेज माई बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए। तो हम फॉर माई सेल्फ के लिए, तो फॉर माई सेल्फ में फर्स्ट में हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट गूगल अकाउंट, एंटर योर नेम, यानी कि आपको अपना नाम डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे अपने नाम का पहला नाम डाल दें, जो भी आपका नाम है उसका पहला नाम। फॉर एग्जांपल आपका नाम फॉर एग्जांपल के लिए राजू है, तो राजू डालेंगे फर्स्ट में, और सरनेम आपका श्रीवास्तव है या फिर सिंह है या जो भी है उसको आपको डालना है, यानी कि सरनेम को लास्ट नेम करना है। ओके, तो चलिए फटाफट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं राहुल। तो हमने अपना राहुल राज लिख लिया नाम। यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए, तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है आपको। तो मंथ में जिस भी मंथ में आपकी पैदाइश है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेट है, यानी कि किस डेट को आपको का जन्मदिन है, तो यहाँ पर उस डेट को आप डाल देंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं। और ईयर है, तो ईयर में आपको उसका साल डाल देना है, तो चलिए हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जेंडर, यानी कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेल है, फीमेल है या फिर जो भी है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैं मेल हूँ इसलिए मेल में हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल हो गया। अब नीचे ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे बोल रहा है कि चूज़ हाउ यू विल साइन इन, किस तरीके से आप करना चाहते हैं ईमेल को बनाने के लिए। क्रिएट अ जीमेल एड्रेस बनाना है यहाँ पे आपको। तो चलिए यहाँ पे जीमेल एड्रेस हम बना लेते हैं। आपको क्या करना है, अपने नाम का कुछ लेटर लिखना है और यहाँ पे कुछ नंबर आपको टाइप करना है, और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करके चेक करना है कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम दूसरा ट्राई करेंगे। तो ये सब जो यूज़र नेम है अवेलेबल नहीं आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये सब यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये अवेलेबल है, तो हमें ये लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने नाम से रिलेटेड कोई भी नहीं है, तो अपने नाम से रिलेटेड ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट में हम नीचे क्लिक कर लेंगे फिर। तो अब यहाँ पे अब बोल रहा है कि पासवर्ड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग सा, तो चलिए हम अपना पासवर्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है आपको, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, यानी कि अपने नाम के कुछ लेटर्स मिक्स यूज़ करें, और नंबर्स एंड सिम्बॉल, और उसका नंबर और सिम्बॉल। तो चलिए हम यहाँ पर एक अच्छा सा पासवर्ड बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा बना लेना है, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक किया। अब ये पासवर्ड हमारा ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ले लेगा, तो इस तरीके से आपको पेज खुलेगा और नीचे यहाँ पे बोल रहा है कि स्किप करना चाहते हैं, तो येस आई एम हम करेंगे इसमें। जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर ये हमारा ई मेल आई डी बन करके तैयार हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड प्रिवेसी कुछ है, तो यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप आई एग्री में क्लिक करके आगे बढ़ जाएँ।
और आगे बढ़ने के बाद हमारा ईमेल आईडी रेडी हो गया है बन के, तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए तो थोड़ा वेट के बाद ये ओपन हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हमारा ईमेल आईडी नया बन के रेडी हो, ये हमारा नया वाला ईमेल आईडी बन के रेडी हो गया। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा नया ईमेल आईडी बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से अपना नया एक ईमेल आईडी बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।